हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू स्टडीज। सो गाइज, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जो स्टूडेंट्स 3 अगस्त से कंडक्ट किए जाने वाले एग्जाम के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपके हॉल टिकट में जो बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है वो सब आपका सॉल्व हो पाएगा, राइट? तो वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गाइज, मैंने कल ही आपको अपडेट कर दिया था कि आपका जो है हॉल टिकट आ चुका है। तो सभी स्टूडेंट जिन्होंने अपना हॉल टिकट अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं, आप अपना एनरोलमेंट नंबर डालकर यहाँ पे प्रोग्राम सेलेक्ट कर लीजिए और सबमिट करके अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर लीजिए, राइट? अब बात कर लेते हैं आपके हॉल टिकट में चेंजिंग क्या क्या किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख पाएंगे तो हॉल टिकट में जो आपका है यहाँ पे फोटोग्राफ आपका नहीं दिया गया है। तो आपको अपना फोटोग्राफ यहाँ पर चिपका करके उसको सेल्फ अटेस्टेड करके यहाँ पे लगा देना है, ओके? और यहाँ पे आपका एनरोलमेंट नंबर दिया रहेगा, ये सब आपका यहाँ पे नेम वगैरह दिया रहेगा और एग्जामिनेशन सेंटर आपने जहाँ डाला था वो आपको यहाँ पे शो करेगा। और कई स्टूडेंट जिन्होंने अपना एग्जामिनेशन सेंटर जहाँ पे डाला था तो कोविड के वजह से उनको वो एग्जामिनेशन सेंटर ना देके उसके नियर वाइज एग्जामिनेशन सेंटर दिया गया है, ठीक है? तो आप एक बार जरूर अपना एग्जामिनेशन सेंटर का एड्रेस चेक कर ले, राइट? और यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि आपका कौन से कोर्स कोड का एग्जाम कब है और सेशन क्या है। तो 2 सेशन में आपका एग्जाम होगा जो कि एक मॉर्निंग सेशन जो 10 बजे से लेकर के 1 PM तक चलेगा और एक है आपका आफ्टरनून सेशन जो कि है आपका 2 बजे से लेकर के आपका 5 PM तक चलेगा, राइट? और यहाँ पे आपका जो एक लैब का पेपर है MCSS 025, तो यहाँ पे डेट नहीं दिया गया क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन के बाद आपके रीजनल सेंटर की तरफ से कंडक्ट कराया जाता है इसलिए। और नीचे आएंगे हम लोग तो देख पाएंगे आपका इंस्ट्रक्शन है। तो सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट बात है आपको बताया गया है जो कि 3rd नंबर पॉइंट है। इसमें आपको बताया गया है कि अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी रीजन से अगर अपना इग्नू का जो ID कार्ड है वो अगर लेकर के नहीं जाते एग्जामिनेशन सेंटर में तो कोई भी गवर्नमेंट ID प्रूफ अगर आप लेकर के जाते हो देन आपको एंट्री दिया जाएगा विदाउट आइडेंटिटी कार्ड भी। और अगर जिनके पास आइडेंटिटी कार्ड है तो वो जरूर लेकर के जाए, ओके? और 5 नंबर पॉइंट में आपको क्लियरली बता दिया गया है कि आपको कैलकुलेटर यूज करना अलाउ नहीं है, जबकि ये पहली बार हुआ है, ऐसा इससे पहले नहीं होता था। आपका कैलकुलेटर अलाउ किया जाता था बट यहाँ पे हॉल टिकट के नीचे ही मेंशन कर दिया गया है कि आपका इस बार जो है वो कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, राइट? और 1st नंबर पॉइंट में आपको बताया गया है कि अब आपका एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो चेंज नहीं होगा क्योंकि आपको डेट दिया गया था 23rd ऑफ जुलाई से लेकर के 26th ऑफ जुलाई तक आपका एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करवाने का ये डेट था, राइट? और 2nd नंबर पॉइंट में आपको बताया है कि जो भी PWD के कैंडिडेट है मीन्स अपना एग्जाम खुद ही लिख नहीं पा रहे हैं देन उनको अपना राइटर लेने के लिए उनको RC से कॉन्टेक्ट करना होगा, ओके? और नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताया गया है 4th नंबर पॉइंट में कि आपका जो फोन है मोबाइल फोन ये सब आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे अंदर में अलाउ नहीं होगा। और 6 और 7 नंबर पॉइंट में आपको बताया गया है कि स्टूडेंट्स को COVID-19 के रूल को फॉलो करना होगा और वहां के जो भी स्टाफ होंगे इग्नू के जो कि आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे रहेंगे तो उन सभी लोगों को जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना होगा और भी जो भी कोविड का रूल है वो फॉलो करना होगा, ओके? और 8 नंबर पॉइंट में आपको बताया गया है कि जिन भी स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप करने टाइम अपना एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट किया था तो वो ना देकर के कोविड के वजह से आपको उसके नियर वाइज जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर दिया गया है तो एक बार आप अपने हॉल टिकट में जरूर अपना चेक कर लीजिए कि आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर का वो एड्रेस है वो कहाँ है, तो आप एक बार जरूर चेक कर लीजिए। और 9 नंबर पॉइंट में आपको बताया गया है कि आपका प्रोग्राम जिस लैंग्वेज में ऑफर किया गया है उसी लैंग्वेज में आपको लिखना है और अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आता है तो आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी में लिख सकते हैं, ओके? और 10 नंबर पॉइंट में आपको बताया गया है कि आपको किसी रीजनल लैंग्वेज में नहीं लिखना है, मींस रीजनल लैंग्वेज कहने का मतलब कि आपका हरियाणवी हो गया, भोजपुरी, ये सब हो गया, तो इस लैंग्वेज में नहीं लिखना है, नहीं तो आपका जो एग्जाम है वो फिर से आपको देना पड़ेगा, आपका कॉपी नहीं चेक किया जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। और 11 नंबर पॉइंट में आपको बताया गया है कि ये सब जो कोर्स कोड आप देख पा रहे हैं नीचे इन सभी का एग्जाम जो है वो MCQ बेस्ड होगा जिसका आंसर आपको OMR शीट पर देना होगा। और 12 नंबर पॉइंट में आपको बताया गया है कि ग्रुप 1 से लेकर के 6 तक के कोई भी एग्जाम अगर क्लैश हो रहा है मींस आपका एक ही दिन 2 एग्जाम हो रहा है तो उसको चेंज नहीं किया जाएगा, आपको एक एग्जाम को अभी देना होगा और एक को नेक्स्ट सेशन में देना होगा, राइट? और 13 नंबर पॉइंट में आपको बताया गया है कि आपका प्रैक्टिकल या फिर लैब कोर्स के एग्जाम के लिए आपको अपने रीजनल सेंटर से कॉन्टेक्ट करना होगा, ओके? तो ये सब था इंस्ट्रक्शन। और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है कुछ ऐसे प्रोग्राम के स्टूडेंट है जो अगस्त एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं है फिर भी उनका हॉल टिकट जारी कर दिया गया है। तो स्टूडेंट ऐसे में काफी परेशान है, जैसे कि मैं आपको एक स्टूडेंट का दिखाती हूँ
हूँ। ये स्टूडेंट MCA सेकेंड सेमेस्टर का है और इनका कोर्स कोड आप देख पाएंगे तो MCS025 है और MCS21 है, 22 है, 23 है और 24 है। और इनका एग्जाम का डेट भी आ गया है, 16 अगस्त से इनका एग्जाम है। जबकि ये स्टूडेंट डेट सीट के अनुसार एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं है। जैसे कि आपका 15 जुलाई को जो डेट सीट आया था उसमें आपको क्लियरली बताया गया था कि जो एग्जाम होगा वो ओनली फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट का होगा विद देयर बैकलॉग, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के स्टूडेंट का होगा और डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम वाले स्टूडेंट को होगा। इसमें कहीं नहीं कहा गया था कि इंटरमीडिएट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट का भी एग्जाम होगा या फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले का एग्जाम होगा, ऐसा नहीं बोला गया था। बट फिर भी ऐसा MCA प्रोग्राम के स्टूडेंट के साथ हो रहा है। मैंने एक इग्नू के टीचर से भी कॉन्टेक्ट किया है तो उन्होंने भी यही बोला है कि अगर आपका हॉल टिकट शो कर रहा है देन आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है, तो आप एग्जाम दीजिए। और इग्नू ऐसा क्यों कर रही है पता नहीं चल रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। डेट शीट में बोला गया था इंटरमीडिएट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट का एग्जाम नहीं होगा बट फिर भी उनका हॉल टिकट जारी कर दिया गया है। तो अब सिंपल सा बात है, अगर हॉल टिकट जारी कर दिया गया है देन आपको एग्जाम देना होगा। और भी किसी अदर प्रोग्राम के स्टूडेंट के साथ ऐसा प्रॉब्लम है कि वो एलिजिबल नहीं है एग्जाम देने के लिए फिर भी उनका हॉल टिकट जारी कर दिया गया, देन वो कमेंट करके जरूर बताए। और नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि अगर आप अगस्त एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल नहीं है और फिर भी आप अपना हॉल टिकट डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं देन आपको ऐसा कुछ आएगा, हॉल टिकट इशूड ओनली फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट अलोंग विद देयर बैकलॉग एंड PG डिप्लोमा डिप्लोमा एंड PG सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, राइट। और जैसे ही आप अगर यहाँ पे क्लिक करोगे देन आप डेट शीट पे चले जाओगे, ठीक है, जहाँ पे आपको बताया गया है कि किस किस सेमेस्टर और ईयर वाले स्टूडेंट का एग्जाम होना है। बट फिर भी पता नहीं ऐसा MCA प्रोग्राम वाले के साथ क्यों किया गया, इग्नू ऐसा क्यों कर रहा है कि उनका इंटरमीडिएट सेमेस्टर वाले का भी हॉल टिकट जारी कर दिया गया है। और एक पॉइंट मैं आपको बता दूं जो कि आपके इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे हॉल टिकट में कहीं पे मेंशन नहीं किया गया है, अगर कोई स्टूडेंट अगर किसी भी कारणवश अगर वो अगस्त एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाते हैं देन वो दिसंबर एग्जाम में अपना एग्जाम दे पाएंगे, ये प्रीवियस नोटिफिकेशन में आपको बताया गया था बट यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। और कोई भी स्टूडेंट जिनका वैलिडिटी एंड हो रहा होगा इस जून सेशन में देन उनको एक्सटेंड करके दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है, ओके। और नेक्स्ट अपडेट है कि दिसंबर 2020 का जो रिजल्ट है वो फिर से एक बार अपडेट किया गया है। तो जो भी स्टूडेंट है अपना एनरोलमेंट नंबर डाल करके अपना रिजल्ट चेक कर लीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और नेक्स्ट अपडेट है आपका कि आपका रिएवोल्यूशन का भी जो रिजल्ट है फिर से अपडेट किया गया है 29 जुलाई को, तो आप अपना रिजल्ट चेक कर लीजिए और आप अपना ग्रेड कार्ड भी चेक कर लीजिए, आपका ग्रेड कार्ड भी अपडेट किया गया है, ठीक है। तो ये सब था आज का आपका नोटिफिकेशन जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट था। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, किसी तरीके की इशू आती है देन कमेंट जरूर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके। तो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।